तो गाइस फाइनली फिन बैलर वर्सेस डैमिज पेस इनका भी मैच यहाँ पर कम्प्लीटली हो चुका और क्या कमाल का मैच था आखिरकार। तो सबसे पहले यहाँ पर एंट्रेंस होता है फिन बैलर का। आप देख सकते हैं फिन बैलर के यहाँ पर डैमिज वाला कैरेक्टर नहीं बल्कि कुछ और ही कैरेक्टर देखने को मिला था। दूसरी तरफ उनके अपोनेंट यानी कि डैमिज पेस का भी यहाँ पर एंट्रेंस होता है। वैसे कैसे यहाँ पर डैमिज पेस को देखकर ही लग रहा था कि वो काफी अग्रेसिव थे पहले से ही। उसके बाद तभी इनके बीच यहाँ पर मैच की स्टार्टिंग होती है जहाँ स्टार्टिंग से ही यहाँ पर फिन बैलर काफी अटैक कर रहे होते हैं डैमिज पेस के ऊपर। फिर गाइस इनके बीच यहाँ पर 15 से 20 मिनट यहाँ पर मैच चलता है, दोनों रेसलर आपस में लड़ते लड़ते काफी घायल भी हो जाते हैं। और गाइस जैसे कि आपको पता है यहाँ पर जजमेंट डे का कोई रेसलर यहाँ पर रिटर्न न किया, इनका साथ न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और तभी यहाँ पर फिन बैलर की तरफ से जेडी मैकडॉनल्ड और कार्लिटोस का रिटर्न देखने को मिलता है और आने के बाद वो फिन बैलर को काफी सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। और गाइस इनके दोनों होने के बावजूद भी यहाँ पर फिन बैलर कुछ नहीं कर पाते और फाइनल में यहाँ पर लास्ट में डैमिज पेस इस मैच के विनर बन जाते हैं आखिरकार। वैसे गाइस यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि डैमिज पेस की तरफ से कोई भी इनका हेल्प करने नहीं आता है, इनके साथ कोई है भी तो नहीं, यहाँ पर कौन हेल्प करने आएगा। रिया रिप्ली एक तरफ जहाँ उनका मैच भी था वो यहाँ पर रिटर्न नहीं कर सकती थी। तो जो भी है फाइनल आखिरकार यहाँ पर डैमिज पेस इस मैच को काफी आसानी से जीत जाते हैं फिन बैलर को हरा। वैसे कैसे इस मैच को मैं 3 आउट ऑफ 5 यहाँ पर रेटिंग स्टार देना चाहूंगा। वैसे आप कितना देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।